सो यहाँ पे अगर हम TCS का शेयर प्राइस देखें तो आपको समझ में आ जाएगा आज के दिन में एक तो ये गैप डाउन भी खुला और फिर नीचे भी गया। We had expected that North America caution is likely to dissipate at the beginning of the year and we are likely to see a fairly strong bounce back. That has not materialized and initially because of lingering fears of what's likely to come. Hello guys, so TCS ka result aa chuka hai, I think Infosys ka bhi aa chuka hai aur IT ke shares girte ja rahe hain. Aise time pe sabka question hota hai कि इस टाइम पे नया बाय करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला आंसर ये है कि भाई साहब सेल करने के बारे में एटलीस्ट अभी मत सोचो। लेकिन फिर क्वेश्चन है कि नया बाय करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखना, ना कि ओपिनियन बेस्ड डिसीजन लेना। ठीक है, सो हम चल के देखने वाले हैं आज का क्वार्टरली रिजल्ट्स, यानी कि जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया है TCS का वो कैसा आया है एंड उसके बेस पे हमें किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। सो ये हम आ गए हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे और ये रही TCS कंपनी, ये रहा सेल्स का डेटा। तो अगर लेटेस्ट क्वार्टर का यानी कि मार्च 2023 का अगर आप डेटा यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो बढ़ते ही जा रहा है और लेटेस्ट क्वार्टर का जो अभी का क्वार्टर का आया हाइएस्ट सेल्स इनका यहाँ पे आया हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 58,000 करोड़ का सेल्स था और अभी है 59,000, यानी कि ग्रोथ है। फिर ये फॉल क्यों हुआ? सो यहाँ पे अगर हम TCS का शेयर प्राइस देखें तो आपको समझ में आ जाएगा आज के दिन में एक तो ये गैप डाउन भी खुला और फिर नीचे भी गया, मोटा मोटी यहाँ पे होल्ड किया, दैट्स ओके। बट मेन क्वेश्चन हमारा शेयर प्राइस को लेकर के नहीं है, मेन क्वेश्चन है कि हमें इसे होल्ड करना चाहिए या नया कुछ बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको समझो कि ये गिरा क्यों। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिखाई देगा कि इसका सेल्स जो है वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, तो गिरा क्यों? गिरा इसलिए क्योंकि जो कंपनी का एस्टिमेशन था टोटल सेल्स का कि हम इतना ग्रो करेंगे उसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो रहा है। यानी कि इसको आप ऐसे समझो कि अगर एस्टिमेशन था 100 ग्रोथ का तो वो ग्रोथ 90 की आई है, तो ये जो 10 का शॉर्टफॉल हुआ है इसकी वजह से एक सेंटिमेंटल गिरावट आप कह सकते हो। और ये अक्सर होता है रिजल्ट्स में, हर कोई बंदा एस्टिमेट करके बैठा होता है कि यार ये ऊपर आएगा, इतना आना चाहिए, उससे थोड़ा सा ऊपर आ गया तो थोड़ा सा शेयर प्राइस भाग जाता है, उससे थोड़ा नीचे आ गया तो शेयर प्राइस उससे नीचे आ जाता है, यानी एस्टिमेशन से नीचे आ गया तो शेयर प्राइस भी नीचे आने लगता है। एंड लेटर पार्ट ऑफ द क्वार्टर बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी दैट केम अराउंड द BFSI सेक्टर एंड इट्स इम्प्लिकेशंस ऑन द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सेटअप, दैट्स वेयर द मिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग वर्सेस व्हाट नॉर्थ अमेरिका हैज बीन ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली फॉर अस। इससे हमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सिर्फ ये शॉर्टर टाइम के लिए और ये मोर ऑफ मार्केट का सिर्फ रिएक्शन है, दैट्स इट। सिर्फ रिएक्शन है कि भाई हमें रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, जितना हम उम्मीद कर रहे थे उससे कम आया, एंड दैट्स ओके। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप देख रहे हो लगातार ये ऊपर जा रहा है। हाँ, इतना याद रखो जो अभी इन्होंने आउटलुक दिया है आगे के क्वार्टर का जो आउटलुक है वो उतना बढ़िया गाइडेंस नहीं दिया है कि आगे के क्वार्टर में बहुत तगड़ा ग्रोथ नहीं एस्टिमेट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो इनका आता है US से एंड UK से, और US में अभी बैंकिंग के हाल ही में काफ़ी क्राइसिस हुए थे, तो US की जो इकोनॉमी में थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसकी वजह से इनका एस्टिमेशन है कि हो सकता है हमारा सेल्स जो है वो उतना एग्रेसिव ना हो जितना हमने सोच रखा है। तो ये सिर्फ एक क्वार्टर की प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे लगातार जो आगे ग्रोथ मिला हुआ अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप का हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि TCS ने पहले कंसोलिडेशन नहीं किया, आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये जोन में जब US का पूरा प्रॉब्लम था 2007-08 के टाइम पे, आप देखो ये पूरा कंसोलिडेट यहाँ पे हुआ है, उसके बाद ग्रोथ आई, फिर कुछ क्वार्टर कंसोलिडेशन आया, फिर थोड़ा स्लो ग्रोथ आई, फिर एक लंबा कंसोलिडेशन आया, फिर एक ग्रोथ आई, फिर कंसोलिडेशन आया, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रोथ आई, तो मुझे लग रहा है कुछ समय तक हो सकता है कंसोलिडेशन हो, फिर उसके बाद नया सेट ऑफ ग्रोथ यहाँ पे आइडियली आना चाहिए। सो बिजनेस ज़रा भी ख़राब नहीं, लेकिन अगर आप 2-3 साल तक आराम से होल्ड कर सकते हो तो मुझे लगता है आपको ये सब जो छोटे मोटे न्यूज़ आ रहे हैं ये सब चीज़ें आ रही इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, बाय द वे एक और चीज़ मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, आया रिजल्ट TCS का, लेकिन और जो बची हुई IT कंपनीज हैं जैसे कि LTIM मान लो माइंडट्री
ये देखो आज 3.5% गिर गया। क्यों? इन्होंने तो रिजल्ट भी नहीं दिखाया। वो इसलिए कि TCS जो है सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है, जब वो रिजल्ट दिखाती है तो बाकी लोगों से भी ये एस्टिमेट किया जाता है कि भाई अगर TCS ने जो एस्टिमेट किया था वो वहां नहीं पहुंच पा रहा है और इकोनॉमी में जो US इकोनॉमी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से रिजल्ट कमजोर हुए हैं, तो बाकी लोगों का भी जो एस्टिमेशन है वो भी वीक होगा। तो इसलिए बाकी सारे IT स्टॉक्स ऑलमोस्ट आज के दिन में फॉल हुए। अब यही सेम चीज आई थिंक, अब जैसे मैंने बताया कि TCS के एस्टिमेशन थोड़ा सा वीक हुआ, अब ये जो इन्फोसिस का रिजल्ट आया वहां पे भी आपको ये दिख जाएगा। तो ये देखो इन्फोसिस भी आज 2.5% नीचे आया। अब यहाँ पे इन्फोसिस का सेल्स का डाटा देखो यहाँ पे आ गया, दिख रहा है? देखो स्लो डाउन इन्फोसिस में इसी क्वार्टर में दिख गया, नेक्स्ट क्वार्टर के वेट की जरूरत ही नहीं, इसी क्वार्टर में दिख गया है। तो पक्का मुझे लग रहा है यहाँ पे जरूर कंपनियां कंसोलिडेट कर सकती हैं, 100% कंसोलिडेट कर सकती हैं। तो आप ये मत उम्मीद करके रखो कि ऐसा हमेशा चलते रहता, हमेशा कभी नहीं चलता। देखो ना यहाँ पे भी कंसोलिडेशन है, देखो ना इनका भी यहाँ पे, ये US इकोनॉमी का ही कंसोलिडेशन है ना, 2007 का जो सब प्राइम क्राइसिस आया था तो उसी टाइम का है। तो ये चलते रहेगा इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हो नया बाय करना, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इसमें थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो, हो सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर में और कंसोलिडेशन मिल जाए, हो सकता है, कोई ऐसा गारंटी नहीं है। धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो जब तक ये कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है। तो अगर एक बार फिर से चलते हैं, जो हमने TCS को देख रहे थे ये आ गए कंसोलिडेशन, आप इसका जरा प्राइस वाइज भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, प्राइस वाइज भी कंसोलिडेशन इसमें होता रहता है, एक मूव फिर गिरावट फिर एक मूव फिर एक कंसोलिडेशन फिर एक मूव फिर एक कंसोलिडेशन फिर एक मूव फिर एक कंसोलिडेशन फिर एक मूव हुई और ये हो रहा है पूरा कंसोलिडेशन। तो ये कंसोलिडेशन थोड़ा और चल सकता है, उसके बाद हो सकता है एक नया मूव मिले नए ग्रोथ के हिसाब से। सो मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन का जो फेज होता है ना, ये वाला, ये एक्यूमुलेट करने का टाइम होता है कि ऐसे अच्छे स्टॉक्स को आप कितना एक्यूमुलेट करके रख सकते हो ताकि जब मूवमेंट आए तो आपका जोरदार पैसा बनना चाहिए। जरा प्रॉफिट वाइज भी एक बार देख लेते हैं कि सिर्फ सेल्स ही बढ़ा या प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये रहा पिछले क्वार्टर में ये इनका सेल्स था और यहाँ पे ये बढ़ चुका है, जहाँ इनका पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 10,800 करोड़ था, इस बार 11,400, यानी कि वो भी ग्रो हुआ है। और इसी चीज़ को ईयरली के फॉर्मेट में अगर हम देखें तो 191 लाख करोड़ का इनका सेल्स था, जो कि अब हो गया है 225,000 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले साल 38,000 करोड़ का था, जो कि अब हो चुका है 42,000 करोड़ का, यानी कि बिजनेस में कहीं कोई गिरावट नहीं है। हाँ, एस्टिमेशन से थोड़ा सा कम है, एंड दैट्स ओके, ठीक है। तो इसके बेस पे मुझे नहीं लगता आपको एग्जिट वगैरह करना चाहिए। हाँ, लेकिन आप सोच रहे हो कि अगले 4 महीने में पैसा बनेगा, तो भाई ऐसा मत सोचो, ये मान के चलो 2-3 साल में आराम से आपका अच्छा पैसा बनने का यहाँ पे चांस है। बाय द वे यही सेम चीज आप चाहो तो रिजल्ट में भी देख सकते हो। यहाँ पे ये PDF छोटा सा दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये रहा, इस पर आप क्लिक करोगे, हाँ ये रहा रिजल्ट ओपन हो गया। सबसे पहले अच्छी चीज यहाँ पे आपको देखने मिल गई, 24 रुपीज का डिविडेंड भी मिला है, ठीक है, विच इज गुड। इस साल टोटल इन्होंने 115 रुपए का अभी तक आई थिंक डिविडेंड बांट दिया है, इस पर काफी ज्यादा डिविडेंड मिले हैं लोगों को। सो इसको मैं एक बार जूम कर लेता हूँ, ये देखो सारा कनाडा बेल्जियम है ना, सब जगह ये बाहर बाहर सारी TCS की कंपनीज हैं, यहाँ पे काम कर रही हैं। तो ईयरली के फॉर्मेट में ये सेम नंबर देखो, हमने स्क्रीन पर भी देखा है ईयरली का डेटा, और ये जो है क्वार्टरली का डेटा, दिसंबर के कंपैरिजन में ग्रोथ आई है और पिछले साल के इस क्वार्टर के कंपैरिजन में भी ग्रोथ आई है। प्रॉफिट पे अगर आप ईयरली देखोगे तो क्लियरली जंप है, जो कि हमने वहां पे भी देख लिया, पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में जंप है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी जंप है, विच इज वेरी गुड थिंग। सेम चीज आप नीचे भी देख सकते हो, यस यहाँ पे जो टोटल इस साल का टोटल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 115 रुपये का इस साल मिल चुका है, पिछले साल 43 रुपीज का ही मिला था, विच इज वहाँ से तो बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है ना, लोगों को डिविडेंड मिले हैं, विच इज गुड। और बाकी रेवेन्यू वाइज, सेगमेंट वाइज अगर आप रेवेन्यू इनका देखना चाहते हो तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, उसमें तो पिछले साल के मुकाबले ज़रा भी गिरावट नहीं हुई है। अच्छा, ईयरली फॉर्मेट में देखते हैं, ईयर के हिसाब से क्वार्टरली नहीं देखते, तो यहाँ पे ये देखिए ईयरली इसमें तो गिरावट नहीं हुई है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें तो इसमें भी गिरावट नहीं हुई है। नेक्स्ट है रिटेल बिजनेस एंड कंज्यूमरिज्म, इसमें भी नहीं हुई है। कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी, इसमें भी नहीं हुई है। लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर एंड देन अदर, सारे सेगमेंट्स में इनको ग्रोथ मिली हुई है, विच इज़ गुड थिंग। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ शेयर प्राइस नीचे आए इसलिए मैं चला जाऊँ, बाहर जाऊँ या एग्जिट हो जाऊँ, तो मुझे नहीं लगता आपको ये डिसीजन ऐसे लेना चाहिए। सिंपल फिलोसफी याद रखो, आपको जो डिसीजन लेना है डेटा बेस लेना है, और डेटा में भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो होता है रिजल्ट्स।
एक बार रिजल्ट्स आपको समझ में आने लगे कि यार ये बिजनेस, जिस बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया था और जिस बिजनेस की वजह से मैंने इन्वेस्ट किया था, वो तो ग्रो कर रहा है, तो शेयर प्राइस का काम है फ्लक्चुएट होते रहना, तो ऐसे केस में आपको बाहर नहीं होना होता एज अ इन्वेस्टर। अगर आप सिर्फ फ्लक्चुएशन के बेस पे बाहर होगे तो फिर तो आप हर तीसरे दिन और हर दसवें दिन बाहर होते रहोगे, ठीक है। सो उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक थॉट प्रोसेस मिला होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट आपका दोस्त है और क्वार्टरली रिजल्ट को आपको एक तरह से इवेंट जैसा ट्रीट करना चाहिए कि हर तीन महीने में एक इवेंट आता है। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो, इन रिजल्ट्स को देखो, इन रिजल्ट्स के बेस पे एंड बिजनेस के बेस पे डिसीजन लो, ना कि शेयर प्राइस के स्पेसिफिक मोमेंट पे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।